अमेरिका हथियार देता था यहां के लोगों को, कहता था मारो उधर बम, और रूस उधर के लोगों को हथियार देता था, कहता मारो इधर बम। अकेले अमेरिका ने 27 करोड़ बम गिरा दिया। वियतनाम की लड़कियों ने लड़ाई लड़ा था, स्कूल से जाने के बाद बंदूक उठा के आराम से खोज खोज मारे थे समाज से। अमेरिका को लगा कि भाई वो सुपर पावर है, जापान को बम मरवे किया, कोरिया को मारा, उसने सोचा कि और काउंटर करते हैं हम यहाँ पे वियतनाम, कौन था वियतनाम, ये वियतनाम वार हो गया यहाँ पर। उत्तरी वियतनाम चाहता था, रूस चाहता था उत्तरी वियतनाम, और चाइना चाहता था उत्तरी वियतनाम उसके हिसाब से चले, जबकि अमेरिका चाहता था कि भैया इसको कैसे दो टुकड़ा करो, उत्तरी मिले चाहे दक्षिणी मिले, कोनो मिले, इसको पहले क्या करो दो टुकड़ा करो। तो नीचे वाले एरिया में कौन घुस गया, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह। अब दोनों में बम्बार्डमेंट होने लगा। अमेरिका हथियार देता था यहां के लोगों को, कहता था मारो उधर बम, और रूस उधर के लोगों को हथियार देता था, कहता मारो इधर बम। अकेले अमेरिका ने 27 करोड़ बम गिरा दिया, कहां पर वियतनाम, 27 करोड़ बम गिरा दिया वियतनाम। वियतनाम में जब लड़ाई हुई तो वियतनाम के लोग बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड थे अपने देश के प्रति, वहां पर छोटे साइज के होते हैं लेकिन बहुत मेहनती थे। वहां आए थे हो ची मिन, वियतनाम युद्ध का नायक हो ची मिन ने कहा कि अब हमें संकल्प लेना है, हम ससुराल रूस को भी मारेंगे, अमेरिका को भी मारेंगे। लोगों ने कहा पगला गया है यार, कैसा आदमी है यहाँ पे, ना हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने ठान लिया हो ची मिन ने, और पूरी लोगों को संगठित किया और 20 साल युद्ध किया था। कोरिया के वियतनाम के लिए कितना युद्ध किया, वियतनाम युद्ध चला था 20 साल 1955 से 75 तक। और यहां अमेरिका को लगा कि नहीं, जैसे उसने कोरिया में क्लीन स्वीप मारा था, आके उतरा और मारा पूरी तरह से, क्या हो गया, कब्जा कर लिया कोरिया को, दक्षिणी कोरिया को। वियतनाम के लोग भी चाहते थे अमेरिका तुम उतर फिर देखते हैं तुमको, और गलती कर दिया अमेरिका, वहां पे अपने 30,000 फौजी उतार दिया, घेर घेर मारा था सब वियतनाम वाला, घेर घेर को मारा था सब, उघाड़े कर कर भेजा था सब वियतनाम के सैनिकों ने। क्या किया, वियतनाम में सबसे ज्यादा जंगल, घने जंगल कहां है वियतनाम, जंगल बहुत ज्यादा, अब बारिश होने की वजह से वहां पानी भी लगा रहता है। तो वियतनाम के सैनिक ने क्या किए, सब ना गड्ढा खोद देते थे, सब 10 फीट गड्ढा खोद देते थे, और वहां पे ना उसके ऊपर कुछ रख देते थे, और ना गड्ढा खोदने के बाद ना वो खूब अच्छा बनाए थे सब, एक स्टील का प्लेट, एक बड़ा सा प्लेट था, बेंच बराबर, चौकी बराबर था, जितना बड़ा सोफा होता है ना, एक नॉर्मल सा प्लेट था, 6 फीट भाई 3 फीट का, और इसमें ना भाला निकला था, समझ में गया, अब गड़ा 6 फीट का रहता था, अब वहां पर पड़ेगा ना घचाक से नीचे चल जाएंगे आपके ऊपर, अब निकालेगा कौन आपको बाप बाप चिल्लाएंगे, सेना आगे बढ़ रही है दौड़ के, ओ अपने विक्टर कम फास्ट भाग, लो वेयर इज विक्टर, ओ माय गॉड डिसूजा डाई, डिसूजा मर गया यहां पर, समझ में गया कि नहीं। अब वहां की से अमेरिकन सेना का मनोबल गिर गया, वो पैर रखता था सही से, ठीक है घचाक देखो ना चल गया। अब वहां पे अमेरिका की सेना का पूरा क्या हो गया, मनोबल गिर गया, और वियतनाम का हर एक इंसान हथियार उठा लिया। वियतनाम की लड़कियों ने लड़ाई लड़ा था, स्कूल से जाने के बाद बंदूक उठा के आराम से खोज खोज मारे थे वहां पे, लड़का लड़की सब में। और हो ची मिन ने जमीन के अंदर अंदर सुरंग बना दिया, और यह सुरंग पूरे देश में फैल गया, अगर कोई चाहता था एक शहर से दूसरा शहर जाना तो सुरंग के अंदर अंदर चल जाता था। उन सुरंग के अंदर नकली सुरंग भी होते थे, अमेरिका के सैनिक को जितने सुरंग मिले सब नकली सुरंग मिले, और उसमें जाने का मतलब गढ़ा मिलेगा, मर जाएंगे यहां पर। अमेरिका ने उन सुरंग से परेशान होकर रह गया यहां पर, वियतनाम के सैनिक सुरंग में घुस जाते थे सब, ढक्कन उठा के देखते थे अच्छा फौजी आ रहे हैं लोग, वहीं में से बंदूक निकाल कर धर धर मार देते थे, पता ही नहीं चलता था उन लोग को, जंगल इतना ज्यादा था कि चुपचाप बैठे रहते थे। अमेरिका ने पूरे जंगलों को भी खत्म करने की कोशिश किया, कुछ खत्म नहीं हुआ। 20 साल तक अमेरिका लड़ाई लड़ा था, यहाँ अमेरिका के 25 से 30 हजार सैनिक मारे गए थे, और अमेरिका को भागना पड़ा था सेम वैसे ही जैसे कहां से भागा, अफगानिस्तान से। आप देखे थे अफगानिस्तान में लास्ट मोमेंट तक भागते भागते सब लोग जहाज से भागा था सब वहां अमेरिका ने। तो कोरिया युद्ध में भले अमेरिका क्या हो गया, जीत गया, लेकिन वियतनाम युद्ध में हार गया।
वियतनाम युद्ध में जब अमेरिका भागा तो कहा कि मैं यहाँ के लोगों की शांति चाहता हूँ, इसलिए 17 डिग्री समानांतर रेखा इन दोनों के बीच में सीमा रेखा का काम करेगी। हो ची मिन्ह ने कहा ठीक है जाइए 17 डिग्री समानांतर रेखा। हो ची मिन्ह था हमारे देश के नेता थोड़ी थे सब कि रेड क्लिफ रेखा खींच के चल जाओगे तो मान लेंगे। अमेरिका पहुंचा, अमेरिका के सैनिक अभी अमेरिका में लैंड भी नहीं किए थे, आके मिटा दिए तो नहीं 17 डिग्री समानांतर पूरा वियतनाम हमारा, समझा गया कि नहीं, खत्म कर दिया सब वियतनाम। हम लोग लेके झूल रहे हैं लोग यहाँ पे रेड क्लिफ, समझा गया। ऐसे अगर हम लोग भी रहते तो हम लोग को भी यही पढ़ाया जाता, रेड क्लिफ कहाँ था, भारत पाकिस्तान। आप बताइए रेखा खींच दिया, हम लोगों ने क्यों स्वीकार किया, नहीं स्वीकार करना चाहिए। एक वो तो नाथुराम ने गलती किया, जिन्ना को मारना चाहिए, हमारे यहाँ लोगों को निशाना दिमाग दोनों पता नहीं किधर था, यहाँ पर उनको मार के क्या फायदा, गांधी को कुछ मिला स्पेशल, कुछ बेनिफिट कुछ नहीं मिला, मार देना चाहिए किसको, जिन्ना को, पाकिस्तानिया बिरयानी बना के खा जाता सब इनका, नाथुराम का बढ़िया से पकड़ के। देखिएगा हमेशा कोई गुंडा को देखिएगा छोटे मोटे लोग को पीटता है जिसका कोई जवाब ना दे सके, मार दिया जाएगा किसको बताइए। वियतनाम युद्ध समझ में आ गया, यह युद्ध अमेरिका और रूस के चक्कर में हुआ है, रूस चाह रहा था मेरे ओर से आए, अमेरिका चाह रहा था मेरे ओर से, यह भी बर्बाद हुआ इन दोनों के चक्कर में, यह भी बर्बाद हुआ इन्हीं दोनों के चक्कर में।